वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज है डे टू और मैं अभी दीदी के घर से, प्रियंका दी घर से नहा के आ गई हूँ, रेडी वेडी हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ बड़ी दी के घर। देखते हैं क्या क्या चल रहा है वहाँ पे। सो अभी हम लोग आ गए हैं दीदी के यहाँ पे एंड अभी चल के देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट बन रहा है। ठीक है, और अभी चल रहा है ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन। दीदी क्या क्या बना रही हो? छोला बन रहा है, यहाँ पे बना है गोभी का भुजिया। ओके, और यहाँ पे छोला उबाल ली हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा उबल रहा है और ये इसके मसाले की तैयारी चल रही है। ओके, और रोटी ना? हाँ ठीक है। सो आज का ब्रेकफास्ट ये है और पूजा का प्रसाद तो मम्मी ही बनाएगी ना, 12 बजे के बाद। ओके, तो अभी इतना मैस अप लग रहा है किचन क्योंकि ऑब्वियसली अभी ब्रेकफास्ट बन रहा है। एक बार सब बन जाए तो ये सारा प्लेटफॉर्म सब क्लीन हो जाएगा। हैप्पी चैट मम्मी। खुश रहो बेटा। हाँ, और बताइए आज, कल जैसे नहाए खाए था तो आज क्या है? आज लोहंडा है। ये हमारी रोटी मेकर, मोस्ट ऑफ द टाइम ही रोटी बनाती रहती है। सो ये है मेरा आज का आउटफिट। एक मिनट मैं देती हूँ। जब ये लोग को बोलो लाफिंग करो, पिंपल्स के साथ, जंग के साथ, पिंपल के साथ। अदर कुत्ता मारूंगा। नहीं निकल, स्कूटी में निकल के दोनों। तो आज है छठ पूजा का डे टू। इसको हम लोहंडा भी बोलते हैं, इसको हम खरना भी बोलते हैं। मतलब कुछ लोग लोहंडा बोलते हैं, कुछ लोग खरना बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको लोहंडा बोलते हैं। सो आज क्या क्या होगा वो तो आप ब्लॉग में देखोगे ही। सो आज का दिन भी हेक्टिक होने वाला है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं हमारे यहाँ प्रसाद खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना बैंगलोर में बहुत सारे लोग छठ पूजा नहीं करते हैं। सो सबको इनविटेशन जाता है कि आप आइए प्रसाद खाने, और ये ऐसा पूजा है जिसका प्रसाद खाने सबको आते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे बिहारीज भी हैं, नॉन बिहारीज भी आते हैं। सो या सो आज का ये है। सो जैसे जैसे मम्मी खाना बनाएंगी मैं आपको दिखाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ पूजा जहाँ पर होगा, मम्मी जहाँ पर खाना बनाएगी। सो चलिए। सो ये एक रूम को पूरा कन्वर्ट कर दिया गया है जो कि पूजा के लिए यूज़ होगा। सो जब मम्मी उड़ीसा में पूजा करती थी तो मम्मी लोहे के चूल्हे पे खाना बनाती थी, बट यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो गैस है ना ये सिर्फ पूजा में यूज़ होता है और फिर पूजा के बाद इसको रख दिया जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से यूज़ होना है। मतलब सिर्फ ये पूजा के लिए ही गैस है। ये सिलेंडर और ये सारा पीतल का बर्तन मम्मी कल से ही धो के रख दी हैं, और शाम को जो भी गेस्ट आएंगे हम उनको केले के पत्ते में खाना खिलाएंगे। पूजा के लिए फूल आ गया है। सो यहाँ पे कुछ सूप और कुछ बर्तन है, और अभी ग्रॉसरी आना बाकी है, जो मतलब पूजा का प्रसाद जिससे बनेगा वो सामग्री अभी आना बाकी है, अभी गए हैं लाने के लिए। सो ये देखिए पूरा रूम आज यूटिलाइज होगा खाना बनाने के लिए। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम फेस्टिव वाइब्स आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी भी देखिए ना बज गया है कुछ 11, टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। ब्रेकफास्ट बनाते बनाते सबको सर्व करते करते टाइम चला जाता है और फिर बैठ के हम गप करने लगते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता है। चाय पानी सब तो चलता ही रहता है। ठीक है, जैसे ग्रॉसरी आएगा मम्मी खाना बनाना स्टार्ट करेगी, हमें रेडी भी होना है। सो हम आज साड़ी पहन रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। सो इधर मम्मी भी नहा के आ चुकी है और अभी पूजा का तैयारी करेगी। अभी पूजा करोगी सबसे पहले? हैप्पी छठ पूजा बोलो। हैप्पी छठ पूजा। सर
सो जो भी आपको हेल्प करेगा वो भी फास्टिंग करेगा तभी आपको हेल्प कर सकता है ना। अच्छा, सो एक आंटी आने वाली है, उन्होंने भी फास्ट रखा है, सो आके मम्मी को थोड़ा बहुत मदद करेंगी। अभी मम्मी जा रही है घर की पूजा करने, उसके बाद फिर खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ दीदी भी रेडी होके आ गई है, बहुत प्यारा सूट लग रहा है तुम्हारा। और कुर्ता स्कर्ट है, मेरे को तुमने ही गिफ्ट किया था, बहुत प्यारा कलर है इसका। फेस्टिव वाइब है ना, तो मैं सोची दिन भर ही तैयार होके रहा जाए, क्यों बस दिन भर ऐसे रहो और शाम में तैयार हो, तो पूरा गेटअप मैंने ऐसे किया है। और ये मैंने शादी वाला मंगलसूत्र पहना है, और ये मैंने सुई धागा पहना है, बहुत प्यारा लग रहा है। और लिपस्टिक लगाया और बिंदी लगाया। और शाम को क्या पहन रही हो? शाम में साड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि साड़ी फेस्टिवल में तो साड़ी ही अच्छा लगता है। फेस्टिवल में जब तक साड़ी ना पहनो लगे कुछ इनकम्प्लीट सा लगता रहता है, पूरा तैयारी नहीं हुए है। आज डे टू है, खरना बोलते हैं कुछ लोग, खरना के बाद कुछ लोग ये बोलते हैं लोंडा, बाकी लोग खरना में वही बनता है, किसी के यहाँ पूरी रोटी और खीर, और हम लोग के यहाँ लोंडा में, लोहंडा में हम लोग का प्रसाद रहता है चावल, चने का दाल, पीठा, रोटी, रावा, खीर। बहुत यम्मी, बहुत डिलीशियस, बासी होने के बाद तो और अच्छा लगता है। हाँ, जो प्रसाद बनाएगी 12 बजे से 5 बजे तक बन जाएगा, फिर तैयार होके पूजा करके, पूजा करने के बाद सब लोग आएंगे, सबको प्रसाद खिलाना है। 2 बजे रेडी हो जाएंगे, क्योंकि फोटोशूट वगैरह रहेगा, बच्चे हैं, कहेंगे करते रहते हैं। तो यहाँ पे दीदी करिए लंच की तैयारियाँ। सो क्या बना रही हो दीदी? आलू बैंगन का सब्जी बनेगा। यहाँ पे मैं पहले आलू फ्राई कर दे रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दोनों के एक साथ मिक्स किया था ना, तो आलू सीज नहीं पाया था, मतलब अच्छे से पक नहीं पाया था, कच्चा ही था। फ्राई हो रहा है, फिर बैंगन, उसके लिए टमाटर भी कट चुका है, अदरक का पेस्ट, और वहाँ है हमारा मिर्ची का पेस्ट, और ये बन रहा है मेरे हस्बैंड के लिए काफी सुबह से पिए नहीं है हमारा चाय। चाय बन रही है, मतलब आधे में बंद कर दी हूँ चाय को, क्योंकि सब बिजी है ना। हाँ, okay. तो सब आएंगे तो इकट्ठे बस उबालना है उसको। और ये रहा खीरा सलाद के लिए, और बनेगा धनिया और आम का चटनी, और चावल दाल सब्जी सलाद इतना रहेगा, और रोटी। ओहो, ये 1 घंटे में सब हो जाएगा ना? हाँ, 1 घंटे में हो जाएगा ऑलमोस्ट। हाँ, हाँ, सब्जी तो हो गया, चटनी 5 मिनट का काम है, रोटी बेलना है बस। हाँ, चावल दाल तो कलवा लाइए, और प्रसाद वाला। हाँ, प्रसाद वाला चावल दाल है, सलाद बस, ये मेन था, ये हो चुका है। हाँ, कढ़ाई हमारा छोटा हो गया थोड़ा सा, बट ये गल जाएगा तो एडजस्ट हो जाएगा ना। हाँ, बैगन गल जाएगा तो एडजस्ट हो जाएगा। नमक डाला हुआ है, अभी ढक दूंगी तो क्या थोड़ा गल जाएगा, तो बस चलाने में हमें जगह मिल जाएगा चलाने के लिए। हाँ, और ये कॉफी बन चुका है, अब इसको छानेंगे। देखते हैं मम्मी का क्या तैयारी चल रहा है, मम्मी कहाँ तक पहुँची है। सर राशन आ गया ना? हाँ। तो आपने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, तो टाइम लग जाएगा। आंटी कब आएगी? आंटी को फोन करेंगे, क्या फोन करेंगे। ओह, देखिए सर राशन आ चुके हैं, वही मम्मी को। सो ये चूल्हा का पूजा कर लियो ना। हाँ, स्टार्ट करेंगे ना। हमारा तो लंच बन गया, आपका अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। 12 बजे से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 12 बजे से। गाय का दूध है ना, और पानी एक्चुअली घर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बाहर से बिस्लेरी वाटर ला रहे हैं। सो वो जब आएगा तब आप खाना बनाना स्टार्ट करोगे। और ये मम्मी खरना के लिए दूध निकाल रही है अलग से। सो ये देखिए सब्जी गल गया ना। हाँ, और अच्छे से स्पेस हो गया। देखिए ये जो ओवरफ्लो हो रहा था अभी, अब चलाने का स्पेस हो गया, आराम से चल रहा है, गिर नहीं रहा है। हाँ, अभी ये और गल जाएगा ना, तो बढ़िया हो जाएगा। ये गल गया मतलब बन गया। हाँ हाँ, ये गल गया, अब इसमें बस अदरक का पेस्ट, थोड़ा मिर्ची का पेस्ट, हल्दी डाल दीजिए, हो गया। धनिया पत्ता लास्ट में गार्निशिंग। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा धनिया पत्ता से। छिलनी ला, ये मैं कर रही हूँ चटनी की तैयारी, तो पहले धनिया को अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी बालू रहते हैं, तो चटनी का टेस्ट खराब होता है। इसको बहुत अच्छे से अभी 3-4 बार धोगी। और यहाँ मैं
काट रही हूँ, छिल रही हूँ खीरा सलाद के लिए। सलाद तो जितना जल्दी हम लंच बना कर फ्री होंगे उतना जल्दी हमें उतना ज़्यादा हमें रेडी होने का टाइम मिलेगा, क्योंकि सारी पैन है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ टाइम ज़्यादा लग जाएगा। This chat everything healthy. So अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने। This is my chai break. And look at this beautiful सब्जी, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर कलरफुल आर्ट। And she is the artist. अभी दीदी का हो रहा है चाय ब्रेक। हाँ, चाय पीने के बाद थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, थोड़ा काम स्पीड अप हो जाएगा। एक आधा सो अभी डाल रही हो, क्या डाल रही हो? मिर्ची पेस्ट, मेरा बेटा नहीं खाता है ना, तो उसके लिए बिना मिर्ची वाला निकाल रही हूँ। अब जाके डाल रही हूँ मिर्ची का पेस्ट। छुपा रुस्तम है। सो अभी मम्मी ने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। क्या बना रही हूँ मम्मी? सबसे पहले रोटी बना रही है, कढ़ाई को भी तवा जैसे यूज करके। बन गया है रोटी। दाल बना रही हो? मैं दाल चढ़ा दियो, 2 किलो दाल। पिठा बनेगा अभी, चावल के आटे का बनेगा पिठा। What is the progress guys? Done with the rotis. So यहाँ रोटी बन गया है, ये तो बना रही रोटी। तो वहाँ पे सबको बिजी है, सो ऑलमोस्ट किचन का हमारा जो लंच का काम था ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। मम्मी का भी स्टार्ट हो चुका है, आपने देखा रोटी बन गया, दाल चढ़ गया है। एंड बस अब कुछ घंटे और जब सारा प्रसाद बन जाएगा, जब हम लंच कर लेंगे, जब हम रेडी हो जाएंगे और मेहमान आने स्टार्ट हो जाएंगे और पूजा होगा और सारे जो गेस्ट आएंगे, सारे जो शादीशुदा लेडीज़ आएंगे, मम्मी उनको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंदूर लगाएंगी, तो वो सब बहुत अच्छा लगता है देख के, बहुत मज़ा आने वाला है। देखते हैं कौन कौन आता है। भाई हो भी ना, अब इसमें दाल धो के अब उसमें दाल डालेंगी। और ये पिट्ठा के लिए आटा भी मम्मी ने बना लिया है। ऐसे डाल दोगे कि काट के छोटे-छोटे डालोगे? अच्छा
चूर के दोगे। अच्छा ग्रैंड। सो यहाँ हम लोग बैठ गए अपना लंच करने। सबसे पहले हम लोग ही खा रहे हैं। ये देखिए लीची ने दीदी का प्लेट पूरा मेस कर दिया, मेसी बना दिया है। कैसा बना है? देखो मैं कितना खा रही हूँ। नहीं नहीं, ये सारा लीची ने इसका प्लेट खराब कर दिया। लीची और ये रहा मेरा प्लेट। फटाफट खाएंगे और फिर रेडी भी होना है। अभी मम्मी बना रही है। सो अभी मैं आई थी प्रियंका दी के यहाँ एंड अपना सारा सामान लेके। इसमें मेरा पूरा मेकअप है, ज्वेलरी है एंड ये रहा साड़ी का पाउच। सो हम दोनों अपना ड्रेस एंड मेकअप लेने आए थे प्रियंका दी घर। अब जाके वहाँ पे रेडी हो जाएंगे। आंटी आ गई मम्मी का मदद करने के लिए। अच्छा आपने सबको खा लेने दे। तेज तू खा रहा है अभी? यो मैं तेज देख रहा हूँ। अच्छा ये खाने का अच्छे से पोछ अंजू। सो अभी सबको किचन में खा रहे हैं क्योंकि पूरा घर का पोछा हो चुका है एंड बाहर नहीं खाना है हॉल में। यार सो चावल वहां पे चढ़ा, चावल पे दाल हो गया हो जाएगा। तो तू कहाँ से देखेगा तू कितना मोटा था? तू मेरा ब्लॉग देखना। You'll feel happy by seeing yourself. चावल चढ़ाती है। चावल हो गया माँ? अब बस खीर है ना। ये देखने कितना अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे लास्ट मिनट सफाइयाँ चल रही हैं, डेकोरेशन चल रहा है क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं शाम को।
एवरीथिंग डन। नहीं नहीं और इसको मत ले ऐसे, पता पांच पांच करके बीच बीच में काट देते, अंदर अंदर है, अंदर ही अंदर है दीदी वो वाला काट। चलिए रूम की करते हैं। 25 केला पत्ते, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो सारे गेस्ट आज केला के पत्ते में खाना खाएंगे, प्रसाद खाएंगे, सॉरी। हार्दिक शुभकामनाएं मम्मी की तरफ से। मम्मी देख रही, सही काट रहे हैं मम्मी। स्टार्ट होगा पूजा मम्मी? 6 बजे। भूख तो नहीं लग रहा है ना? ना। थकावट लग रहा है आपके चेहरे पे? सब उनका महिमा है। यहाँ पे खीर हो रहा है। हो गया आंटी क्या खीर? नहीं, बहुत टाइम लगेगा ना। सो गेस्ट आएंगे, उससे पहले इनको भी अच्छे से सजा देना है, अरेंज कर देना है, सो मैं अरेंज कर देती हूँ। इसको मैंने अच्छे से ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिया है, अब ये वाला एरिया क्लीन है। सो चेंज ऑफ प्लान, ये यहाँ नहीं रहेगा, इसको हम इस रैक में रखने वाले हैं ताकि ये क्लीन दिखे, है ना रितेश? ठीक है। सो अभी बाहर इतना ही चप्पल रहेगा, ये सब इमरजेंसी वाले चप्पल हैं कि किसी को अगर बाहर निकलना हो तो इनमें से कोई भी पहन के निकल सकता है, बाकी सब अंदर है। माँ जा नहा लो, हम लोग जा रहे हैं रेडी होने। ठीक है चले। बन गया मिखीर? हाय गाइस, सो प्रसाद ऑलमोस्ट बन गया है, बस खीर लास्ट स्टेज पे है और सब कुछ सॉर्टेड है, घर वर एवरीथिंग इज रैप्ड अप, लाइक सब कुछ कर दिया हमने और अभी हम जा रहे हैं रेडी होने। मेरा मुंह आपको ऐसा लग रहा हो क्योंकि मैंने अभी इस पर फाउंडेशन लगाया है और ये देखिए मैंने अपना आलता भी लगा लिया है और इधर मेरी बहन अपना बाल स्ट्रेट कर रही है। वी आर रनिंग लेट बट समहाउ विल मैनेज एंड विल ट्राई टू डू इट एज क्विक एज पॉसिबल। दीदी कुछ बाहर का काम निपटा रही है एंड उसके बाद हम सब तुरंत तुरंत रेडी हो जाएंगे एंड देन पूजा स्टार्ट होगा। सो थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं क्योंकि हमारा प्लान था कि हम 3 बजे अपना रेडी होना स्टार्ट कर देंगे। रेडी होके हमको जो भी हमें जो भी फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करवानी है वो हम करेंगे, बट काम इतना था कि जो टाइम हमने सेट किया था वो हम अचीव नहीं कर पाए। सो अभी भी लेट नहीं हुआ, बस हमें जल्दी जल्दी रेडी होना है। सो हम लोग रेडी होके आपसे मिलते हैं फिर।